Hello everyone, how are you? I hope all you are doing good. My name is Manish and today we are going to start the discussion of DPP number 58. Chapter name is Current Electricity, subject is Physics. Okay, let's start with question number 1. Question number 1 kehta hai, the magnitude and the direction of the current in the circuit shown will be. Current ki direction aur magnitude hume batana hai. Theek hai, E ek point de diya hai beech mein. तो यहां पर हम पहले चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 वोल्ट की है, तो डोमिनेंसी जो शो करेगा वो 10 वोल्ट की करेगा, बिकॉज 10 वोल्ट की बैटरी इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट. ठीक है, तो मैं ये जानता हूं करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से. यहां से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि करंट यहां फ्लो करेगा और आई जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा. अब कुछ नहीं करना, हमें यहां पर लूप लगा करके केवीएल लगा देना है. किस किस के बीच में? ए, ई, बी, सी, डी. ठीक है, ये ई को अभी इग्नोर कर दीजिए. ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, देख लेते हैं. ए, ई, बी, सी, डी, इसको अपन देख लेते हैं. ठीक है, यहां पर और ये वापस से घूम के ए पे आ जाएगा. यहां पे अपन लगाते हैं के वी एल, तो यहां पे लगाते हैं अपन करंट. मुझे मिल रहा है आई, मैं ई पॉइंट से कंसिडर करता हूं, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस का 4 वोल्ट, क्योंकि माइनस टर्मिनल में आ रहा है करंट. जब करंट जिधर एंटर करता है और जिस ब्रांच में छोड़ता है, एंटर कर रहा है तो माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i, इधर जाके फिर एंटर कर रहा है ये इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 3i, फिर यहां जा रहा है तो फिर एंटर कर रहा है तो हो जाएगा माइनस का i, और जब यहां से प्लस, इसके प्लस टर्मिनल पे आ रहा है, अगर इसको मैं बात करूं ये माइनस है ये प्लस, तो ये माइनस से कहां आ रहा है? प्लस पे आ रहा है, तो यहां पे लिखूंगा प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0. ठीक है, अपन ई पर चलते हैं. यहां से एक काम करते हैं, लूप को ले लेते हैं ई तक ही. ठीक है, और अच्छा ईजी हो जाएगा, ए की वजह अपन इसको ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं. ठीक है, कहां से चल रहे हैं हम चल रहे हैं ई, बी, सी, डी, ए और ई. ई पर चले और ई पर ही आ गए, ऐसे घूम करके ई पर चले और ई पर ही आ गए. ठीक है, चले अब यहां पर देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो प्लस 10 और माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस 6i शुड बी इक्वल टू 0, और यहां से i आ जाएगा आपका 1 एम्पियर. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? ए से बी की तरफ, ए टू बी. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इसकी, ये है करंट की डायरेक्शन आई, आई मतलब करंट. ऐसा ऑप्शन मैच कर ला लेते हैं, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, ई के ई से होते हुए ए टू बी. चले ऑप्शन नंबर डी.